आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी लीडर को इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया कि भारत को हमने मौसर जवाब दे दिया है। भारत की जानिब से मजीद हरकत का खर्चा मौजूद है। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि किसी पाकिस्तानी तैयारे ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की। दोनों भारतीय तैयारों ने LOC उबूर की जिस पर मार गिराया। एक भारतीय जहाज पाकिस्तानी हदूद, दूसरा भारतीय हदूद में गिरा। आर्मी चीफ का कहना था वजीर आजम ने भारत को एक बार फिर अमन की दावत दी है। तवक्को है भारत होश मंदी का मुजाहरा करके वजीर आजम की दावत का मस्बत जवाब देगा। आलमी ताकतों ने बहुत तशवीश की है, वो अपना किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों का पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होने पर शुक्रिया भी अदा किया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी लीडर को इन कैमरा ब्रीफिंग दी और बताया कि भारत को हमने मौसर जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी कहना है कि तमाम सियासी जमातों के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय और यकजहती का मुजाहरा किया, जबकि आर्मी चीफ ने तैयारियों, इकदाम और आगे बढ़ने से मुतालिक इजलास के शुरका को एतमाद में लिया। वो पार्लिमानी रहनुमाओं की इन कैमरा इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। जो हमारे रबते हुए हैं, जो हमारी इंगेजमेंट हुई है और जो हमारी हिकमत अमली रही है उसके बारे में आगाह किया। DGISPR ने फौज के नुक्ते नज़र की तर्जमानी करते हुए जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो जहाजियत के खिलाफ पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं उसके बारे में आगाह किया और फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने मुकम्मल तौर पर एक ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो हमारी अलर्टनेस है, जो हमारे इकदाम हैं और जो कुछ हमने किया है या हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं सबको एतमाद में लिया।